कहानी की शुरुआत में हम एनी और ग्रेग को देखते हैं जो हमें खुदाई करते दिखाए जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी पर फिर भी ये दोनों कहीं भी प्यार करके अपने जिस्म की भूख को शांत कर लेते थे। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए थे। एक रात एनी अपने पेरेंट्स को बताती है वो प्रेग्नेंट है और ग्रेग से शादी करना चाहती है। इसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद भी ये दोनों अपनी भूख मिटाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे। एनी एक प्यारी सी बेटे को जन्म देती है। देखते ही देखते उनके घर एक प्यारी सी बेटी भी आ गई थी। बेटे का नाम मैक्स और बेटी का नाम रोजी था। बच्चे होने के बाद ये दोनों जब भी प्यार करने लगते तो इन्हें बच्चे बुला लेते। एनी अपने घर, नौकरी और बच्चों को तो अच्छी तरह से मैनेज कर रही थी, बस अपने प्यार करने के समय को मैनेज नहीं कर पा रही थी। एनी अपने फ्री टाइम में ब्लॉग लिखने लगी थी और अपनी शादी के पहले और शादी के बाद के एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करने लगी थी। अब उसे लोग जानने लगे थे और उसके फैन बन चुके थे। एक दिन ऑफिस में एनी को बताया जाता है, तुम्हें तुम्हारे ब्लॉग की काफ़ी अच्छी अमाउंट मिलेगी। ये सुनकर एनी ग्रेग को बताती है। ग्रेग सुनकर बहुत खुश होता है। वो उसे बताता है, क्यों ना हम इसे पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करें। एनी उसे हाँ कह देती है, लेकिन उसके इरादे कुछ अलग ही लग रहे थे। जब ग्रेग घर पर आता है तब एनी एक अलग ही अंदाज में उसका वेलकम करती है, जिसे देखकर ग्रेग का मुँह खुला का खुला रह जाता है। ग्रेग के पूछने पर एनी उसे बताती है, मैंने बच्चों को उनकी नानी के घर भेज दिया है ताकि हम दोनों पूरी रात पलंग तोड़ ठुकाई कर सकें। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर प्यार करने लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये दोनों कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सोचकर एनी घर के किसी और कोने में जाकर प्यार करने की सलाह देती है, जिसकी वजह से दोनों किचन के फ्लोर पर जाकर खुदाई करने लगते हैं। मगर इन दोनों को वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं लगता। ये दोनों ही इस मुश्किल से मिले समय को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए दोनों घर के हर कोने में कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद एनी को आइडिया आता है, क्यों ना हम अपने प्यार करने की वीडियो बनाएं। ग्रेग भी मुश्किल से मिले टाइम को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हाँ कह देता है। फिर ग्रेग के हाथ में एक किताब लगती है जिसमें प्यार करने के अलग अलग तरीके बताए गए थे। वो किताब देखकर कहता है कि हमें इसमें बताए गए सारे तरीके अपनाएंगे। शुरू करने से पहले ये दोनों अपना मूड और अच्छा करने के लिए थोड़ी थोड़ी पीते हैं। दोनों अपनी वीडियो बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दोनों ने किताब में बताए सारे तरीके ट्राई किए, जिसकी वजह से ये वीडियो पूरे 3 घंटे का बन गया था। आखिर इन दोनों की मेहनत रंग लाती है और दोनों अपनी प्यास को शांत कर आराम करने लगते हैं। एनी ग्रेग से कहती है, तुम इस वीडियो को डिलीट कर देना, कहीं कोई इसे देख ना ले, क्योंकि ये वीडियो इन्होंने अपने आईपैड में बनाई थी जिसे ये ऑफिस के लिए यूज़ करते थे। कुछ दिनों के बाद एनी के घर में पार्टी चल रही थी। ये पार्टी एनी के ब्लॉग की सक्सेस की खुशी में रखी गई थी, जहाँ पर इन दोनों के क्लोज फ्रेंड रॉबी और उसकी बीबी ट्रेसा भी आए हुए थे। एनी और ग्रेग को शादी के इतने सालों बाद भी खुश देख कर वो दोनों हैरान थे, और रॉबी ग्रेग से शादी के इतने सालों बाद भी खुश रहने की टिप्स ले रहा था। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ रॉबी का बेटा हार्वी आकर इनसे मिलता है। हार्वी अपने आप को बड़ा मानता था, लेकिन वो बच्चा ही था। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लोग चले गए तो ग्रेग के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, वीडियो के लिए थैंक्स। ये मैसेज किसी अनजान नंबर से आया था। ग्रेग पूछता है, कौन सी वीडियो? तो जवाब आया, तुम्हारी गंदी वीडियो, बेवकूफ़। मैसेज पढ़ते ही ग्रेग के होश उड़ गए और वो भाग कर अपनी स्टडी रूम में आकर अपने कंप्यूटर को चेक करता है, जिसमें से उसने अपनी गंदी वीडियो अभी तक डिलीट नहीं करी थी। वो अभी देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर एनी आ जाती है। एनी को देखकर ग्रेग घबरा जाता है। पहले तो एनी के पूछने पर वो उसे कुछ नहीं बताता, मगर फिर उसके बार बार पूछने पर वो उसे बता ही देता है कि मैंने अपने ही हाथों से अपनी गंदी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी। पहले तो एनी उस पर बहुत गुस्सा करती है, फिर बाद में शांत होकर सोचने लगती है, हमने किस किस को आईपैड दिया था। अचानक एनी को याद आता है कि उसने आज ही वो आईपैड अपने कलीग सैंडी को दिया था, जिसके बाद वो दोनों जल्दी जल्दी सैंडी के घर के लिए निकल पड़ते हैं और घर में बच्चों के पास उनकी प्यारी नानी आ गई थी। उधर रास्ते में ग्रेग के फ़ोन पर एक और मैसेज आता है, जिसे पढ़कर इनका पहला शक रॉबी पर जाता है, क्योंकि ग्रेग ने रॉनी को भी आईपैड दिया था। और वो जल्दी जल्दी रॉबी के घर पहुंचते हैं। फिर रॉबी और ट्रेसा से उस वीडियो के बारे में पूछते हैं। इसके बारे में उन्हें पहले कुछ पता नहीं होता, लेकिन अब उन्हें पता चल जाता है और वो दोनों भी एनी की मदद करने के लिए उनके साथ चल पड़ते हैं। जल्दी ही ये चारों सैंडी के घर के बाहर पहुँच गए थे आईपैड लेने के लिए। ये लोग प्लान बनाते हैं कि एनी सैंडी के घर जाकर उससे बात करेगी और ग्रेग चोरी छुपे सैंडी के घर में घुसकर आईपैड चुरा लेगा। एनी अकेले ही सैंडी के घर आती है। सैंडी उसके घर आने का रीज़न पूछता है, जिसके जवाब में एनी कहती है कि मैं गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिलती चलूं। इधर एनी सैंडी को बातों में लगा कर रखती है। दूसरी तरफ ग्रेग आईपैड लेने के लिए बहुत कुछ झेल रहा था, मगर काफ़ी कोशिश के बाद भी उसे आईपैड नहीं मिल पाता। आखिर में रॉबी और ट्रेसा एक ही पल में आराम से आईपैड ले लेते हैं, लेकिन उन्हें मैसेज कौन कर रहा था ये अभी तक राज बना हुआ था। कुछ देर बाद वो अपने घर वापस आ गए थे, तभी ग्रेग को उस इंसान का फ़ोन आता है जो उसे
मैसेज भेज रहा था। वो ग्रेग से वीडियो के बदले 20 लाख रुपए की मांग करता है। ग्रेग को फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉबी का बेटा हार्वी था, यानी कि वीडियो उसके हाथ लग चुकी थी। ग्रेग हार्वी को साफ साफ मना कर देता है और उसकी हरकत के बारे में उसके डैड रॉबी को भी बताता है, मगर रॉबी ग्रेग की किसी बात पर यकीन नहीं करता। कुछ देर बाद हार्वी नाराज़ हो ग्रेग की गंदी वीडियो एक गंदी साइट पर अपलोड कर देता है। अपने वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना हम साइट के सर्वर को उड़ा दें। अब आधी रात को अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर सर्वर रूम तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही ग्रेग सर्वर तोड़ना शुरू करता है तभी अलार्म बजने लगता है। अलार्म सुनकर ये दोनों काफ़ी घबरा गए थे। इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से भाग सके वहीं साइट के मालिक आ जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कौन सी साइट से आए हो और हमारा सर्वर क्यों तोड़ रहे हो। मगर जैसे ही एनी और ग्रेग अपने नाम और काम के बारे में बताते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो एनी के बहुत बड़े फ़ैन थे। इसके बाद वो उन्हें समझाते हैं कि आपको तोड़फोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर आप लोग हमें पहले बता देते तो हम ऐसे ही आपकी वीडियो डिलीट कर देते। यहाँ से बाहर निकलते निकलते सुबह हो गई थी। वो दोनों घर जाकर जल्दी जल्दी अपने बच्चों को तैयार कर उनके स्कूल में आते हैं, क्योंकि स्कूल में आज बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें उनका बेटा मैक्स अपना कोई प्रोजेक्ट दिखाने वाला था। एनी और ग्रेग काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो को वायरल होने से बचा लिया था, लेकिन अभी भी कहानी पूरी ख़त्म नहीं हुई थी। अचानक ग्रेग कन्फ्यूज़ होने लगा कि उसने घर के कंप्यूटर से अपनी वीडियो डिलीट कर दी थी या फिर नहीं, क्योंकि उनके घर वाला कंप्यूटर आज उनका बेटा स्कूल में ले आया था। बस यही सोचता हुआ वो कंप्यूटर पर कूद जाता है ताकि अपनी हड्डियां तोड़वा कर वो अपनी इज्जत बचा सके। वीडियो के चक्कर में उसने अपनी टांग तोड़वा ली थी और उस पर तरस खाकर हार्वी उन्हें आखिरी कॉपी वापस कर देता है। फिर आखिरी बार अपने प्यार करने की वीडियो देखकर ये दोनों गुस्से में आकर उसे तोड़ देते हैं, क्योंकि जैसा ये दोनों सोच रहे थे वैसा उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उनकी वीडियो ये सही तरीके से नहीं बन पाई थी और उनके फेस दिखाई ही नहीं दे रहे थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।